मोदी के लिए ये आंदोलन जो है मील का पत्थर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सफाया होगी और भारत के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र को गला घोटने के जो षड्यंत्र चल रहे हैं ये इस देश के अंदर कामयाब नहीं होगा। विपक्ष रहित ये सरकार चलाना चाहते हैं, संविधान को कुचल करके ये सरकार चलाना चाहते हैं। FIR करे चुनौती देते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। 2024 में जनता उनको उखाड़ फेंकेगी केंद्र की सरकार से। विपक्ष के आवाज को दबाने की ये साजिश है, पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर के इस मोदी के हिटलरी निजाम को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। हम सब लोग मिल करके पूरे हिंदुस्तान में मोदी को जेल भेजवाया जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, अब इसको लेकर के बिहार में महागठबंधन के तमाम विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं वो तस्वीर, तो लगातार जो कांग्रेस के विधायक हो या माले विधायक हो या तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये तो न्यायालय का जो है उन्होंने सजा दी है, तो आप लोग इसका विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये तो न्यायालय का जो है, देखिए मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं के अंदर RSS के पिट्ठू बैठाकर विपक्ष की आवाज़ को ख़त्म करना चाहती है। और इसलिए आप देखिएगा कि जो भी विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, इसमें CDI, CBI, ED, CBI और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इस्तेमाल इस देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। वामपंथी दल कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लोकतंत्र की खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है उस साजिश के खिलाफ सड़कों पर है। और हम समझते हैं कि मोदी के लिए ये आंदोलन जो है मील का पत्थर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सफाया होगी और भारत के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा। क्या कहेंगे जिस तरह से मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगे उसके बाद कार्रवाई हुई इसको लेकर के दिल्ली में? देखिए कार्रवाई होती है, मोदी तो मैंने कहा कि तनाशाही पर उतर गए हैं, उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। और इसलिए जो भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको या तो ED, CBI और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके जेल भेजा जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये जर्मनी हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश है और इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए हिंदुस्तान के कांग्रेसियों ने, हिंदुस्तान के वामपंथियों ने, सोशलिस्टों ने कुर्बानी दी है। और कुर्बानी दी है तब जाके ये लोकतंत्र मिला है। और लोकतंत्र को गला घोटने की जो षड्यंत्र चल रहे हैं ये इस देश के अंदर कामयाब नहीं होगा। वामपंथी धनपेक्ष समाजवादी ताकतें इकट्ठी हुई है और लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई लड़ेगी। और राहुल का कन्विक्शन इस देश के अंदर है, मोदी के सफाए का आधार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो है वो कब्र बनेगा। मैं ये महसूस करता हूँ कि देश के अंदर ये घटना जो है भाजपा के खिलाफ एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी जिससे लोकतंत्र को हिफाजत किया जा सके। जी जरूर। RSS की सरकार न्यायालय पर भी कब्जा कर रही है। इस देश में आलोचना करने का कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट है, उस राइट पर हमला हो रहा है। अब बताइए मोदी हटाओ देश बचाओ कोई एक पोस्टर लगाता है तो आप जेल में डाल देते हो, FIR कर देते हो। विपक्ष रहित ये सरकार चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोट करके ये सरकार चलाना चाहते हैं, संविधान को कुचल करके ये सरकार चलाना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की आजादी हमारी है, ये मुल्क का संविधान हमारे पुरखों ने बनाया है। लोकतांत्रिक अधिकार हम बचाएंगे, देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, न्याय व्यवस्था बचाएंगे। तो आप भी तो मोदी का विरोध कर रहे हैं, आपको भी तो जेल जाना पड़ेगा। करे अरेस्ट करे, FIR करे, चुनौती देते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, फसीवाद मिटाओ, भगत सिंह अंबेडकर के सपनों का भारत बनाओ। हम लोग को तो ED पर विश्वास है, CBI पर भी है, इनकम टैक्स पर भी है, लेकिन वो दुरुपयोग कर रहे हैं इसका बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने क्या बोला है जो सजा हो गया? आज भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं सब पर सबको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, आगे भी हम लोग न्यायालय में जाएंगे, लेकिन यह जो हरकत है जानबूझ के चुनाव के वक्त कराना, आप भी समझ रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका विरोध हम करते हैं और जनता भी इसको देख रही है, जनता भी समझ रही है। 2024 में जनता उनको उखाड़ फेंकेगी केंद्र की सरकार से। राहुल गांधी को जो सजा दिया गया है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम है, पूरे देश में विपक्ष के आवाज को दबाने की ये साजिश है, अभिव्यक्ति के आजादी पर हमला है।
और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी को सजा दे करके पूरे विपक्ष के आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है यह नहीं चलने दिया जाएगा। मोदी जो पहले कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस मुक्त भारत से आज विपक्ष मुक्त भारत के अभियान में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान की जनता पूरी तौर पर देख रही है, आने वाले दिनों में पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर के इस मोदी के हिटलरी निजाम को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। यह तानाशाही हुकूमत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ हम लोग विधानसभा की तरफ मार्च करते हुए राज्यपाल के भवन तक भी मार्च करेंगे और मांग करेंगे कि राहुल गांधी को जो एक साजिश के तहत सजा हुआ है वो सजा समाप्त किया जाए, यह देश के लोकतंत्र पर हमला है। जी जिस देखिए दिल्ली में भी जो है एक पोस्टर लगाया गया था मोदी हटाओ देश बचाओ, तो लगभग 100 लोगों पे कार्रवाई भी हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अरे जो भी हो रहा है ये देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, एक सोची समझी साजिश के तहत। पहले आप देख रहे हैं कि मीडिया पर भी हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के भीतर जो भी मोदी के खिलाफ जो भी इस हुकूमत के जो विरोध करने की साहस कर रहा है, जो ये हिडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद जो अडानी की संपत्ति का खुलासा हुआ है और उसकी जांच का मांग कर रहा है, उस सब पर कार्रवाइयां शुरू हो गई है, पे भी होगा, हम लोग मोदी का सब पर होगा, वो कोई बचेगा नहीं, और हम सब लोग मिल करके पूरे हिंदुस्तान में मोदी को जेल भेजवाया जाएगा। मोदी के हुक्म आप लोगों को ठीक है, वो विरोध करने वाले को कौन है? दुनिया में कहीं भी इस तरह के तानाशाही हुकूमत नहीं चली है। जनता बड़ी होती है, जनता महान होती है, जनता सारी तमाशा देख रही है, जनता जो तय करेगी वो होगा, जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। जी जरूर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।